तो दोस्तों फाइनली Asus ROG Phone 3 फाइनली यहाँ पर आ चुका है और दोस्तों इसकी करेंगे हम फटाफट रिव्यू। पिछले दो दिन से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ तो दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि बहुत ही ज्यादा ये फोन की जो अमेजिंग फीचर्स हैं और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इसकी परफॉर्मेंस इसके अंदर मुझे फील हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो के सबसे लास्ट तक बने रहना सारे सारे फीचर्स जानने के लिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बॉक्स से। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल ऑसम फोन है उसी की तरह यहाँ पर हमें इसका बॉक्स भी हमें देखने को मिलता है उतनी ही स्टाइलिंग के साथ। जहाँ पर यहाँ मैं बात कर लूँ तो बॉक्स के नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है रोग एरोडायनेमिक सिस्टम और बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक यूनिक सी स्टाइलिंग के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का यहाँ पर लोगो और यही लोगो हमें एक एनिमेशन इफेक्ट देता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है, हमें किसी और डिवाइस के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। और जैसा कि इस लोगो से बाइक निकल के आती है तो इससे साफ पता चलता है कि ये फोन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग सेंटर के फोन बनाए जिसमें हमें फील होता है रियल गेम्स का। कर लेते हैं बॉक्स के पीछे लिखे कुछ अहम डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये फोन है मेरे पास 12GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दोस्तों ये फोन है ब्लैक कलर वेरिएंट में। और सबसे बेस्ट चीज इस फोन की जो कि सुर्खियों में अभी तक बनी हुई है कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है एंड्रॉइड में, जिसमें हमें देखने को मिल जाती है 3.1 की फास्टेस्ट स्पीड जो कि अभी तक हमें सिर्फ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर ही देखने को मिलती थी। इसी के साथ हमें यहाँ पर 30W का यहाँ पर हमें चार्जर देखने को मिलता है जिसमें हमें केबल देखने को मिलती है टाइप C2C हमें यहाँ पर केबल देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमें बॉक्स के अंदर ये कवर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही डिफरेंट और स्टनिंग डिजाइनिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पर इसमें 3 बॉक्स देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पैसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम हीट आउटपुट के लिए डिजाइन इसके लिए स्पेशल बनाया गया है जिससे फोन हीट ना हो। साथ ही में हमें यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। जैसे कि आपको ये पता ही है कि गेमिंग डिवाइस है तो इसमें हीट वाली जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसी के सारे कवर और सारी डिजाइनिंग के साथ। लो जी फोन का कवर ये मैंने इसके पीछे लगा दिया है और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि कितना मस्त फोन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है Asus ROG, क्या लग रहा है ये। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ जहाँ पर इसके बैक कवर के साथ ही क्या ओसम लुक इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ROG फोन जो है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इस कवर के साथ जच रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि बिल्कुल इंच भर का भी फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में इस फोन में हमें एक और यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है पावर लॉक अनलॉक बटन के ऊपर रेड एक्सेंट में, ये जो डिजाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस बटन का ये भी बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रीमियम फील करवाता है। साथ ही में बैक साइड में एक कंपार्टमेंट दे रखा है CPU को कूल रखने के लिए और डिजाइन का तो क्या कहना है। इसी के साथ फोन के बैक पैनल पे हमें यहाँ पर RGB पैनल देखने को मिलता है जिसपे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी लाइट कब ग्लो करेगी, कैसे ग्लो करेगी और क्यों ग्लो करेगी और कौन से टाइम पे किस कलर में ग्लो करेगी। तो यहाँ पर इसके सिस्टम लाइटिंग में जाकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूजिक के टाइम पे, एक्स मोड के टाइम पे, स्क्रीन टाइम पे और स्क्रीन ऑफ के टाइम पे, या इसी के साथ बैकअप, बूटअप, गेम्स, नोटिफिकेशन, ड्यूरिंग कॉल, इनकमिंग कॉल, हम हर एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सी लाइट ग्लो करेगी। साथ ही में इसको म्यूजिक के साथ भी सिंक कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के साथ ही सिंक होके ग्लो करे। दोस्तों ये फोन भरा हुआ है बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर्स के साथ जिसमें हमें यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिलता है एक्स मोड, जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है एग्रेसिव गेमिंग। ये एक्स मोड फीचर ऑन करते ही हमें देखने को मिलती है 12GB रैम की पावर, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले जिसके अंदर बिल्कुल भी लैग होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही में एक्स मोड को ऑफ करते ही ये देखो जैसे नॉर्मल हो गया ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर इस एक्स मोड के फीचर को ऑन करते ही इसकी थीम ऐसे बदल जाती है जिससे हमें खुद फील आ जाता है कि इसके अंदर जो गेम प्ले होने वाला है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है। दोस्तों इस फोन के अंदर हमें ऐसा एक और फीचर देखने को मिला है जो अभी तक किसी और फोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है GTS X स्टीरियो स्पीकर्स, जिसके अंदर 2 डेडिकेटेड एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं जिससे ज्यादा वॉल्यूम करने पर दूसरा एम्पलीफायर इसके अंदर ऑन हो जाता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक्स्ट्रा साउंड। आपको डेमो दिखाता हूँ। साउंड की एक नॉर्मल लिमिट के बाद ये दूसरा एम्पलीफायर ऑन हो जाता है और इसका कलर ब्लू से ऑरेंज में चेंज हो जाता है।
जिससे हमें ये फीलिंग आती है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर बज रहा है, ना कि एक सिंपल सा फोन। यहाँ पर हमें ब्लूटूथ स्पीकर वाली फीलिंग आती है। और दोस्तों ये एक ऐसा साउंड है जिसके अंदर हमें बूफर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर आप खुद फील कर पा रहे होंगे कि इसके अंदर बूफर की भी जो आवाज आ रही है, बेस की जो आवाज आ रही है, वो क्लियर यहाँ पर आवाज आ रही है बेस, जो आप सुन ही पा रहे होंगे। दोस्तों इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलती है 144 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट, जिसपे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने रिफ्रेश रेट पे हमें फोन यूज करना है। इसको हम ऑटो मोड पे रख सकते हैं 60, 90, 120 और 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे हम यहाँ पर रख सकते हैं। फोन के यूसेज के हिसाब से हम इसकी रिफ्रेशिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही में बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर हमें मेन कैमरा देखने को मिलता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 8K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ, 4K वीडियो 120 फ्रेम पर सेकंड के साथ और 1080 पिक्सल्स 240 फ्रेम पर सेकंड के साथ। और स्लोमो वीडियो की बात करें तो यहाँ पर 480 फ्रेम पर सेकंड के साथ हम उसके अंदर वीडियो बना सकते हैं। साथ ही मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो हमें यहाँ पर सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 24 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ और 1080p में हम 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि इसके अंदर मोशन ट्रैकिंग का जो फीचर है वो बहुत ही ज्यादा औसम इसके अंदर मुझे देखने को मिला है। साथ ही मैं बात करूँ इसके मैक्रो कैमरा की क्वालिटी के बारे में, वो भी मुझे बहुत ज्यादा डिसेंट देखने को मिली है। उम्मीद से ज्यादा मुझे यहाँ पर मैक्रो कैमरा की क्वालिटी देखने को मिली है। गेम्स की परफॉर्मेंस की तरह कैमरा को लेकर भी यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इस फोन में हमें यहाँ पर 240 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जिसमें हमें स्क्रीन 6.59 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। इसके बावजूद हमें यहाँ पर इसका वेट बहुत ही बैलेंस्ड देखने को मिलता है। साथ ही में हमें यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें 1 बिलियन कलर्स इसके साथ हमें देखने को मिलते हैं। क्लियरिटी की बात करूं तो हमें यहाँ पर HDR10+ देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि स्क्रीन बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लुक देखने को मिल रही है। एक एक सिंगल कलर हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। साथ ही में 650 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि हमें यहाँ पर धूप में भी देखने में स्क्रीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्क्रीन की प्रोटेक्शन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसके दमदार सीपीयू की, जिसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865+ का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है। ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अब तक किसी भी फोन के अंदर हमें 865+ हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन हमें यहाँ पर 10 देखने को मिलता है और ROG UI इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक भी ऐप इसके अंदर हमें फालतू की देखने को नहीं मिलती है। हमें जिस ऐप को रखना है सिर्फ वही ऐप हम फोन के अंदर रखेंगे, अदरवाइज उसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही में एड्रिनो 650 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस दमदार चिपसेट और GPU की वजह से हमें देखने को मिलेगी नॉनस्टॉप गेमिंग। दोस्तों ट्रस्ट मी, इस फोन के अंदर हमें हर एक चीज बहुत ही ज्यादा स्मूथ और फास्ट देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में। फिंगरप्रिंट सेंसर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो सिंगल क्लिक के अंदर हमारा फोन अनलॉक हो जाता है। हमें एक सेकंड तक का भी वेट नहीं करना पड़ता, मिली सेकंड के अंदर ये फोन अनलॉक हो जाता है, वो भी बहुत ही स्मूथली। बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की, तो यहाँ पर दोस्तों फेस अनलॉक भी इसके अंदर हमें सेम देखने को मिलता है। एक सिंगल क्लिक के अंदर हम सीधा चले जाते हैं फोन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि सिर्फ क्लिक किया और सीधा हम फोन के अंदर। 3D फेस डिटेक्शन इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को है, जिससे हमें बिल्कुल सिक्योरिटी मिल जाती है कि फोन अनलॉक नहीं हो सकता किसी और के फेस से। तो यहाँ पर ASUS ने ROG फोन 3 के अंदर हर एक चीज के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया है, जिसमें हमें देखने को मिलती है हर एक चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट। फोन के राइट साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम पे हमें देखने को मिलते हैं गेमिंग ट्रिगर, जिसमें हमें गेमिंग के लिए मिल जाता है एक और प्लस पॉइंट, और इन गेमिंग ट्रिगर्स की वजह से हमारा गेम प्ले और भी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो ये फोन मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो आपका क्या कहना है इस फोन के ऊपर, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि क्या आपको ये फोन अच्छा लगा है, क्या इसके फीचर्स अच्छे लगे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ROG फोन 3 की, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। मैं मिलूंगा ऐसी ही डिफरेंट वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।